बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर जनाब जी। आज हम क्लास सिक्स के सब्जेक्ट जियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्केल। जैसे कि बच्चे हम आपका जो सेकंड चैप्टर है ग्लोब मैप्स एंड देयर यूजेस, इसमें से हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोब और मैप होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स जो थे वो डिस्कस किए थे। अब वो जो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स हैं उनमें से हम स्केल को जो है वो डिटेल्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे स्केल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अ रेशियो बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस इज कॉल्ड स्केल। इसका मतलब ये है बच्चे, जो मैंने आपके सामने लिखा है कि जब हम किसी बिल्डिंग का कोई नक्शा बनाने जाते हैं तो ज़मीन के ऊपर जितना इलाका या रकबा होता है उतना बड़ा पेज या पेपर तो हम यूज़ नहीं कर सकते। लिहाजा क्या ज़रूरत होती है कि हम कुछ ऐसा सिस्टम अपनाएं कि हम एक बड़ी जगह को एक छोटे से पेज के ऊपर मुकम्मल तौर पर हम ड्रॉ कर लें। तो उसका तरीका ये होता है कि हम ये तय कर लेते हैं कि ज़मीन के ऊपर कोई फासला जो है वो पेपर के ऊपर एक मखसूस लंबाई की लाइन को जाहिर करेगा। इसका मतलब ये है, अगर हम ये कहें कि ज़मीन के ऊपर 10 फुट का फासला, 10 फुट लंबाई का फासला पेपर के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन के साथ शो करेंगे तो ये स्केल बनाना होता है, ठीक है। यानी इसको हम यूं लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये जो 10 मीटर है ये ग्राउंड डिस्टेंस है, जमीन के ऊपर जो एरिया है हमने वो ले लिया 10 फुट। मसलन एक दीवार है, ठीक है, जो 10 फुट लंबी हमने बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वो 10 फुट की जो दीवार है उसको हम 1 सेंटीमीटर की छोटी सी लाइन जो कि हम पेपर के ऊपर लगाएंगे उसके साथ हम पेपर पर उसको हम शो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था स्केल कि जब हम ग्राउंड के ऊपर जो फासला हमने शो करना है पेपर के ऊपर उसके लिए हम पेपर के ऊपर कितनी लंबी लाइन लगाएंगे कि जो उस ग्राउंड डिस्टेंस को जाहिर करे, तो इसको हम उस रेशो को हम स्केल बोलते हैं, ठीक है। अब स्केल्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केल जो है वो 3 होती है, 1, 2 और 3। पहली क्या है, स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्टेटमेंट ऑफ स्केल में हम ये बताते हैं कि पेपर के ऊपर कितनी लंबी लाइन जमीन के ऊपर कितने फासले को शो करे। जैसे यहां मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर पेपर के ऊपर जो लाइन है उसको शो कर रहा है कि पेपर के ऊपर अगर हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे तो वो जमीन के 1 मीटर फासले के बराबर होगी, ठीक है बच्चे। मसलन इसी स्केल की मदद से अगर हमने ज़मीन के ऊपर 10 मीटर का फासला जो है 10 मीटर लंबाई को हमने शो करना हो पेपर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि हम पेपर के ऊपर 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे तो वो ज़मीन के ऊपर 10 मीटर के फासले को जाहिर कर देगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन जो है वो ज़मीन के ऊपर 1 मीटर के फासले को शो करती है। तो इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्केल। इस तरह से जब हम स्केल को लिख देते हैं